Welcome. ये देखिए खूबसूरत घर मेरा, महल नुमा घर। इस जंगल में ऐसी जगह नहीं मिलेगी मैडम। क्या घर बनाया मैंने। आई आई आई, ये देखिए क्या स्ट्रक्चर बनाया है। रंग देखिए, ये देखिए एक एक चीज चुन चुन कर लगाई है मैंने। पेड़ पौधे चारों तरफ हरियाली हरियाली, फूल देखिए। आई आई मैडम आइए। यहाँ पे बहुत गर्मी नहीं है। एग्जैक्टली गाइस, तुम्हें लगता है ये हमारे स्टैंडर्ड का घर है? अरे गर्मी तो बहुत है लेकिन घर ठीक ठाक लग रहा है। तो या अच्छा जेके साहब, आप घर अंदर से दिखाएंगे या यहीं से बेच कर चल जाएंगे? 5 करोड़ रुपए ऐसे नहीं देंगे हम। अरे मैडम, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 5 करोड़ में मिल रही है, ये क्या कम है? इस जंगल में ऐसा घर नहीं मिलेगा मैडम, बोल रहा हूँ मैं। आई 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 कोमल जी, और वो उनकी बेटी क्या कह रही थी? मैं प्रतीक, कोमल और उनकी बेटी, उनकी बेटी मोनालिसा, नहीं मोनिका। हाँ सर, और एक आदमी था वहां पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। कौन था? कुछ याद नहीं आ रहा? नहीं सर। तो आलिशा, तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ पर तुम्हारे अलावा 4 लोग और भी थे। तुम वॉशरूम चली गई और फिर वॉशरूम से बाहर आते ही तुम्हारे आंखों के सामने कोमल गिर पड़ी और तुम बेहोश हो गई, यही कहना चाहती हूँ? हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। आइए। चाचा जी। अलीशा बेटी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अलीशा, ये सब हुआ कैसे? वो हम पार्टी कर रहे थे, फिर अचानक मेरे पड़ोसियों के साथ कुछ हुआ, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं अलीशा, सब याद आ जाएगा। आप लोग जरा ये देखिए, आप लोग इन लोगों को जानते हैं? ध्यान से देखिए। सर इन्हें तो हमने कभी देखा ही नहीं। प्लीज आप लोग पेशेंट को आराम करने दीजिए। ठीक है, मगर हम में से कोई यहाँ रुकेगा इनके साथ? सर तलवारों का वार हड्डियों तक पहुंच गया है। यहां पर भी इन 3 लोगों के चेहरे लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। क्या तैयार है सालों के? आओ बॉस बताता हूं क्या तैयार है। ये देखो, ये 3ों का चेहरा जब ये लोग जिंदा थे ऐसे दिखाई देते होंगे। ये तो प्रतीक, कोमल और मोनिका है। असल में वो चौथा आदमी कहां है? उसकी तो लाश भी नहीं मिली अभी, और ना ही मरने का कोई निशान। कोमल ने मरते वक्त जैसी साड़ी पहनी थी वैसी ही साड़ी पहनकर मैं हॉस्पिटल गई थी, और वहां जाकर अलीशा को डराया, बचाओ, और वो वहां से भाग गई। पर इससे पहले कि हम अलीशा को ढूंढते, तुमने चेतन को घबरा कर उसे मारने के लिए भेज दिया। पर क्या हासिल हुआ? अलीशा तो जिंदा है और सही सलामत है, पर तुम लोगों को जेल होगी और शायद खून के जुर्म में तुम्हें फांसी। आप सबका
SJD कॉलेज की इस वार्षिक चित्रकला प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत है। आज की इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे युवा कलाकार बेहद ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी प्रतियोगिता का आंकलन करने के लिए हमारे बीच में है मशहूर कलाकार मिस्टर रुद्र कुमार। इस खास प्रतियोगिता में हर एक पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट मिलेंगे, और पेंटिंग किस बारे में होगी इसका फैसला ये पर्चियां तय करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी प्रतियोगिता की ओर। तो आइए पार्टिसिपेंट्स एक एक करके अपनी पर्चियां उठाएं। अरे कहां चला गया, अभी तो यहीं था। हाँ, आ रहा हूँ स्टेज पे मैं। नहीं सर, स्टेज पे नहीं सर, वहाँ दूसरे कॉरिडोर में बहुत बड़ा हादसा हो गया सर। आइए जल्दी आइए प्लीज। साइड दीजिए, एक मिनट साइड दीजिए। पापा, रुद्र जी संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभाला, मेरे पापा को जिसने भी ये किया मैं उसको छोड़ो। मैंने सर आपका फोन बज रहा है सर। क्या क्या लगेगा फोन? कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू कैसे हो? ठीक है ना, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, जरा एक इम्पोर्टेंट कॉल। बी कंफर्टेबल भाई, ये पकड़ो। आखिरी बार किसको फोन किया था तानिया जी ने? आखिरी बार मैंने बात की थी तानिया से, ये पार्टी शुरू होने के पहले। पार्टी के दौरान कोई फोन आया नहीं? सर ऐसे पार्टी के बीच में से कोई कैसे गायब हो सकता है? एक काम करो, जरा अंदर चेक कर लो, कोई सुराग मिल जाए। क्या बात है मिस्टर विमान, ऐसा कौन सा जरूरी फोन कॉल है जो आप थोड़ा रुक नहीं सकते? सॉरी सर, सर एक्सक्यूज मी, जरूरी कॉल है। एक मिनट। हेलो। हाँ ओके, जी 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 ठीक है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, मम्मी जीती है कुनाल जीतता है। हाँ एक मिनट। तुम? हाँ मैडम, केबल के पैसे लेने आया था। कितने हुए? वो आपको कल बिल दिया था ना, उस पे लिखा हुआ है। अच्छा रुको मैं लेके आती हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि अनुष्का मेरी बहन है, और उन लोगों ने जो कुछ भी उसके साथ किया मुझे उसका बदला लेना था, और इतने भयानक हमले के बाद भी ऊपर वाले ने उसकी जान बचा ली। उसने मुझे पूरी बात बताई, लेकिन दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती गई। तब मैंने भी सोच लिया कि जैसे उन गोल्डन आई वालों ने तुम्हारी बहन के साथ बुरा किया, वैसे ही तुम उनके परिवार वालों के साथ बुरा करोगी। हाँ इसीलिए उन्हें उस गोल्डन आई के सिंबल की याद दिलाती रही, ताकि उन्हें याद रहे कि ये उनके अतीत के पापों की कीमत चुका रहे हैं। मालूम है टीवी पे अनुष्का की वो झूठी खबर हमने ही डाली थी। हम जानते थे कि टीवी पर अनुष्का की न्यूज देखकर तुम भागी भागी चली आओगी यहाँ। कैसे नहीं आती, बहुत प्यार जो करती हूँ उससे। इतना प्यार करती हूँ अपनी बहन से कि कानून हाथ में ले लिया? हाँ माना कि जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अगर कानून अपने हाथ में लेकर तुमने भी वही गलती की है जो उन लोगों ने की, सजा तो तुम्हें भी होगी। पहली बार सुना,
ये फंगस से खून हो सकता है। फंगस से? जी हाँ, वही वाली फंगस या फफूंद जो हमारे कपड़ों पे लग जाती है। कभी कभी हमें अपने कपड़ों से इतना प्यार हो जाता है कि हमें उन्हें फेंकने का दिल ही नहीं करता। 5-6 साल पुराने कपड़े हम उन्हें संभाल के रखते हैं। महंगी महंगी साड़ियां पड़े पड़े और भी महंगी हो जाती है भाई। 10-10, 15-15 हजार रुपए की साड़ियां ऐसे फेंक भी तो नहीं सकते। मगर अगर कपड़े चुराए हुए हो तो उन्हें पहन भी तो नहीं सकते, है ना? करेंगे क्या? पहने तो फंसे कि कोई देख लेगा या पहचान लेगा कि अरे भाई ये तो वही वाला ड्रेस है जो मेरे घर में से या मेरी शादी में से चोरी हुई थी। भी सड़क में पकड़े जाएंगे। हाँ, और उस वक्त ये भी तो नहीं बोल सकते कि ये ड्रेस मैंने अभी भी खरीदी है, क्योंकि पुराना डिजाइन तो पुराना ही होता है। चुराए हुए कपड़ों को कोई संभाल के नहीं रखता, बस ऐसे ही कबर्ट में बंद करके रख देते हैं। और उस पे जो फंगस आ जाती है, उस फंगस से क्या क्या नहीं हो सकता ये देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। और अगर उस फंगस पे कोई जानबूझकर जहर लगा दे तब तो उसका डायनामाइट बन जाएगा। हाँ, देखिए, आप खुद ही देखिए। इतना वक्त क्यों ले रही हूँ अपने में? वेदांत, मुझे लगता है कुछ करना चाहिए। प्लीज, मैं अभी देखता हूँ। निहारिका और रीना के बारे में तुम लोगों को कुछ मालूम है? नहीं? कमाल है, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और किसी को कुछ नहीं मालूम, ना किसी ने कुछ देखा और ना सुना। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो कि खूनी पकड़ा जाए और आगे और खून ना हो तो सच सच बता दो। सर बोलो। निहारिका और मैं साथ में ही तैयार हो रहे थे, फिर अचानक एक फोन कॉल आया और निहारिका बाहर चली गई बात करने के लिए। अरे क्या हुआ इसे? एक्शन! अरे पड़, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? हे भगवान, ये हो क्या गया है दुनिया को? क्या हुआ सर? अरे तारिका, मेरी समझ में नहीं आता कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है। देखो, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई जहर देके कैसे मार सकता है? जहर से? मतलब दया ठीक कह रहा है, खून जहर से हुआ है। वेदांत, वेदांत, वेदांत! बात क्या? तुम इतनी घबराई क्यों लग रही हो? कोई मुझे मारना चाहता है। मारना चाहता है? ये ड्रेस तो ये मेरी नहीं है, किसी ने बदल के ग्रीन रूम में रख दी। ये ड्रेस तो बिल्कुल उन ड्रेसेस की तरह। तुमने वहाँ पे किसी को देखा क्या? हाँ, जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है सर वहाँ। अच्छा, देखा जरा। अरे मेनका जी, आप यहाँ पे? हाँ, ये मेरा घर है। तो क्या आपका घर है? देखिए मैडम, झूठ मत बोलिए, ये मेरी इन्वेस्टिगेशन की इज्जत का सवाल है। ये घर आपका नहीं है, ये घर किसी रंजन का है। रंजन? रंजन तो मेरे डैड का नाम है। डैडी का? कहाँ है वो? उनकी मौत 6 महीने पहले हो गई। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं ये सब कुछ? जरा ये डिजाइन देख, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो हमारी खानदानी अंगूठी की डिजाइन है। ओ, रीना का करियर मेरे हाथों में था। तो तुमने रीना को मार दिया, और वो अंगूठी तुमने स्नेहा को क्यों पहनी? वो अंगूठी तो सिर्फ मेनका को डराने के लिए थी। ये सब कुछ मैंने अंजलि के लिए किया, सिर्फ अंजलि के लिए। मगर हम लोग सच की तह तक पहुंच ही गए। अगर मेनका कसूरवार है तो तुम भी कुछ कम गुनहगार नहीं हो वेदांत। इस बारे में सोचना जरा, बहुत टाइम मिलेगा जेल में अगर फांसी नहीं हुई। ये आजकल काफी फैशन चला हुआ है,
ये बॉडी पे टैटू लगवाने का। हजारों तरह के टैटू हैं, फिर भी टैटू को देख के कुछ तो पता चल ही जाता है कि ये आदमी किस तरह का हो। अच्छा, जब आदमी टैटू बनवाने जाता है तो न जाने कहां से आदमी के अंदर एक दूसरी तरह का आदमी निकल के बाहर आता है। जी हाँ, ये उसके अंदर छिपी एक पर्सनालिटी है जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। ये पर्सनालिटी बताती है आदमी को कि इस तरह का टैटू लगवाओ दुनिया से एकदम अलग दिखेगा। ऐसा ही होता है, जब हमें कोई लाश मिलती है तो हम भी उसके शरीर पर लगे हुए टैटू से कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी के शरीर में कहीं पे भी टैटू बना हो तो समझो ये एक तरह का सुरागी है। हाँ, वैसे ज्यादातर तो नाम लिखा होता है हाथों पे, या फिर आदमी के धर्म का कोई निशान। अब इस केस में हमें जो लाश मिली और उसने क्या क्या बताया, आप खुद ही देखो। ये लीजिए तस्वीर डॉक्टर साहब, और देख के बताइए कि ये लाश इस तस्वीर वाली लड़की की है कि नहीं। सर, हाँ, ये देखिए, शायद इसी से मारा गया उसे। सर, मगर सर ये लाश है किसकी? कहीं ये लाश अरमान की तो नहीं? बॉस, इस आदमी को मरे हुए करीब 2 हफ्ते हो गए हैं। मतलब इसका खून सारा से पहले हुआ है? अगर ये अरमान है और इसका खून सारा से पहले हुआ है तो फिर सारा को किसने मारा? डॉक्टर साहब, क्या आप इसका चेहरा दोबारा नहीं बना सकते जिससे हम इसे पहचान सके? नहीं भैया, इसका चेहरा देखो, इतनी बुरी तरह से सड़ गया है कि आपको चांस नहीं है। सर, इसके जेब से कुछ मिला है, ये देखिए। वाह डॉक्टर तारिका, कुछ तो ढूंढ निकाला। लेकिन क्या है? क्या हो सकता है सर? हाँ फ्रेडी। सर, यह है वो अरमान। अरमान? ऐसा ये अरमान नहीं है, ये अरमान का दोस्त है सर, साहिल। तू मुझसे हमेशा एक कदम आगे चलता रहता है। अरे मैं भी तो यही कहने वाला था। सर, ये कुछ सामान है जो हमें अरमान के घर में से मिला है सर। इसमें से ये फोटोज अरमान, सारा और राजीव की भी सर। अच्छा, ये आप कब से जानते हैं अरमान को? यही कोई 5 सालों से। और सारा? वो तो अरमान की गर्लफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। चाहते हैं नहीं, चाहते थे। मतलब? मतलब सारा मर चुकी है और शायद अरमान भी मारा जा चुका है। लेकिन अरमान कैसे मर सकता है, वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही नहीं मतलब? मतलब कि वो बिजनेस के किसी काम से 3-4 महीने पहले लंदन गया है और वो अब तक वहां से वापस नहीं आया। एक्सक्यूज मी। यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? देखिए, हम लोग CID से, फ्रॉम मुंबई इंडिया। हम यहाँ एक केस की तहकीकात करने आए हैं। वी आर हियर टू इन्वेस्टिगेट अ केस। आप इसे पहचानती हैं? डू यू रिकॉग्नाइज दिस मैन? इसका नाम अरमान है। अरमान? दैट्स राइट। हमारे ख्याल से ये आदमी इस होटल में ठहरा था 3 और 5 जुलाई के बीच में, बिटवीन 3rd and 5th of July। Yes, you're right. He did stay here. क्योंकि सारा को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसे मारना जरूरी था। इतने भी शर्म नहीं आई तुम? चंद पैसों के लिए अपनी बहन की जान देने से पहले कम से कम पापा को शर्म नहीं? मैं उनकी सगी बेटी हूं, उनका अपना खून, लेकिन उन्होंने हमेशा हमेशा सारा को मुझसे बढ़कर समझा, सारी जायदाद उसके नाम कर दी। क्यों? अपने सौतेले, इन सबसे बढ़कर भी दुनिया में एक चीज होती है, इंसानियत। लेकिन ये तुम जैसे खूनियों को समझ में नहीं आए। अब जेल में बैठकर हर रोज अपना चेहरा बदलते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सर,
ये लीजिए, आ गया आपका बेटा। आते पानी में कूदना इनको, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या इनका। तो उसकी पत्नी है ना, समझाते क्यों नहीं, जरा भी अपना ख्याल नहीं रखता। ये पापा आ गए। अरे अरे नमिता, सनी को रोको। सनी सनी। पापा मुझे भी स्विमिंग करनी है, प्लीज पापा मुझे स्विमिंग करनी है। सनी रुक जाओ। सनी कहाँ कहाँ जा रहे थे तुम? मुझे पापा के साथ स्विमिंग करनी है। नहीं अभी नहीं। सर हमको छोड़ के चले गए। गोली या चाकू नहीं मारा गया? हाँ सर, सिर्फ गिरने का जख्म, इसलिए शायद ज्यादा खून नहीं बहा। सर लगता है जमीन पे पहले शरीर टकराया, इसलिए सर बच गया और सर पर ज्यादा चोट भी नहीं आया। पंकज बॉडी को फोरेंसिक भेजो और आसपास चेक करो। कैसे हुआ ये सब? सर हम सब पुल के पास थे, तभी छत पे खड़े मार्को सर ने कहा कि मैं यहाँ हूँ और मैं जा रहा हूँ। बस सर, इतना कहने के बाद उन्होंने छलांग लगा दी। देखते हैं कहां जाती है। टेलीपोर्टेशन हम भी करते हैं, यहां से गायब होने के बाद तुम सीधे जेल के अंदर दिखोगे। मिस्टर एक्स, आपने हमारी बहुत मदद की, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। फिर भी आपकी वजह से ही तो हमें पता चला कि असली मुजरिम मार्को का असिस्टेंट रजत ही था, शीना नहीं। इतना ही नहीं, आपने रूपा जी की भी जान बचाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिस्टर एक्स, गुड लक। Thank you.
शायद गलत कोड दब गया है, अब क्या करूं? ए रुक, कौन है वहां? अरे मैडम आप, वो उस तरफ भागा। जी अरे मैडम यहां तो कोई नहीं। मैडम कहां गई? शायद चली गई होंगी, मगर इतनी रात को मैडम कर क्या रही थी यहां पर? गुड मॉर्निंग कैप्टन, मुझे कुछ टेक्निकल फॉर्म्स भरने हैं, आपकी हेल्प चाहिए। हाँ क्यों नहीं। हाँ विधि, तब तक तुम सारे कंट्रोल्स चेक कर लो, मैं अभी आया। यस कैप्टन। थैंक यू। देखो सनी, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती, और इस तरह से नजरअंदाज भी नहीं कर सकती तुम, समझी? मुझे जानना है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही हो। सनी समझने की कोशिश करो। मैं समझू और तुम? यस कैप्टन। सोनिया अब मैं बाहर आ सकता हूँ वॉशरूम ब्रेक के लिए? क्या बताऊँ कैप्टन, वॉशरूम खाली ही नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वॉशरूम जाना है। सॉरी कैप्टन, पर एक अजीब सा पैसेंजर पिछले 10-12 मिनट से वॉशरूम में घुसा हुआ है। मैं उस नॉक कर रही हूँ पर वो बाहर ही नहीं आ रहा। अच्छा देखो, पीछे वाला वॉशरूम खाली है क्या? हाँ लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैं बाहर आ रहा हूँ। ओके सर। के विधि की लाश से क्या पता चला? बस विधि के खून में हमें एक बहुत ही खतरनाक जहर के ट्रेसेस मिले, जिसका नाम है मेनजेनिसाइटिस। शरीर में जाते ही बस कुछ ही सेकंड्स में इस जहर ने विधि की जान ले ली। तो क्या चाकू के ऊपर जहर था? नहीं, जहर चाकू पर नहीं था, और बस चाकू पर जो खून लगा हुआ था वो भी विधि का नहीं था। मतलब खून सनी का ही था। तो फिर विधि के शरीर में जहर आया कहां से? मैं बताता हूं जहर कैसे गया। बस इसे देखना पड़ेगा, कुछ तो बात है जो हमसे छूटी है वहां पर। राघव क्या हुआ? कुछ नहीं राघव, अब तो उन्होंने हमें और हमारे ऋषि को छोड़ दिया है ना, तो फिर तुम अब क्यों परेशान हो? तुम नहीं समझोगे नम्रता, अच्छा बता कौन थे वो लोग? हाँ और उन्होंने मुझे और हमारे ऋषि को क्यों किडनैप किया था बताओ? और फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया? इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं नम्रता, पर जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दीदी इस बात की सच्चाई को मीडिया के सामने लाना चाहती थी सर। कैसी सच्चाई का खुलासा करने वाली थी? सर वो प्लेन क्रैश हमारे एयरक्राफ्ट में खराबी की वजह से क्रैश हुआ था, और हमारी तकनीकी टीम ने चेतावनी भी दे दी थी हमें कि इसमें सुधार किए बिना इसे न उड़ाया जाए। और इससे पहले कि विधि दुनिया के सामने ये सच्चाई लाती, तुमने खून करा दिया उसका। सर जब हमें पता चला कि विधि ने वो डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए, तो मैं डर गया था कि विधि कहीं मीडिया के सामने इसका खुलासा न कर दे, और मैं सच्चाई छुपाने के जुर्म में कहीं फंस ना जाऊं। सर तुमने ये कैसे जाना कि वो डॉक्यूमेंट्स विधि ने चुराए? वो कई दिनों से हमारे दूसरे साथी स्टाफ से पूछताछ कर रही थी इसके बारे में, और मुझे इस बात का पता चल चुका था। अब जेल जाने की तैयारी करो, प्लेन क्रैश की सच्चाई छुपाने और विधि के खून करने के जुर्म में शायद फांसी होगी तुम्हें।
अवनी एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं गाड़ी कहीं इधर उधर चली गई तो। कुछ नहीं होगा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करती जाओ। ओके, एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ और धीरे धीरे क्लच दबाओ और धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ो, बस। अवनी बेटा, हम सिखा देते हैं तुम्हें गाड़ी चलाना, रमेश को तो वैसे भी ठीक से नहीं आता है। अरे काका, आप साइकिल चलाना तो ठीक से जानते नहीं है, गाड़ी क्या चलाएंगे। हाँ काका, आप ही सिखा दीजिए तो अच्छा है, ये तो सारा दिन फोन पे लगे रहते, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अच्छा एक काम करो, गाड़ी को रिवर्स गियर में लो। हेलो, सर कुछ पता चला उस लाश के बारे में? देखिए, उसी के बारे में हम लोग बच्चों, हमें आपकी नानी और मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी, और बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं सुननी चाहिए, तो आप लोग प्लीज अंदर जाइए। क्यों, हम क्यों नहीं सुन सकते? ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों का कोई काम नहीं। हमें पता है, हमारे आजोबा की मूर्ति में से लाश मिली है ना, आप उसी के बारे में बात करने आए हो ना? हाँ, और कुछ जरूरी बातें। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना प्लीज अंदर जाओ। शायद उन बेचारों को पता भी नहीं होगा ब्रेंडन के साथ क्या हुआ है। हुँ? और देखो बातचीत में कुछ पता चलता है क्या इस ब्रेंडन के बारे में। सर। हाँ? सर, मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस केस में बहुत कंफ्यूजन है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आदमी अंग्रेज निकला, मेरा दिमाग फट जाएगा सर, मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूं सालू के साथ के साथ। अभी जाओ, अभी जाओ, इसी वक्त बोरिया भी सरा बांधो, निकल जाओ सीआईडी से, जाओ। और कुछ समय बिताओ अपनी बीवी के साथ, शायद कुछ अकल आ जाएगी, जाओ। सर, आपका राशिफल तो सही निकला, नौकरी में बदलाव, मतलब आपका रेजिग्नेशन, इस्तीफा। सर। हाँ पूर्वी, बात हो गई? हाँ सर, एक और चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? सर ये ब्रेंडन सुमित का बेटा था। ब्रेंडन सुमित का बेटा है, वो कैसे? उसकी पहली शादी से, सुमित ने बियाट्रिस नाम की एक अंग्रेज औरत से 1970 में शादी की थी, बेटे को जन्म देते हुए वो औरत मर गई, बीवी की मौत के बाद उसका दिल टूट गया और वो अपने इस बेटे को लेकर इंडिया वापस आना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी के घर वालों ने बच्चे को आने नहीं दी, इसलिए बच्चे को नाना नानी के पास छोड़कर वो इंडिया आ गया। और इंडिया में आने के बाद उसने अर्चना से शादी की और अपनी पिछली जिंदगी मिटा दी, किसी को कुछ भी नहीं बताया, और इसीलिए सुमित के इस बेटे ब्रेंडन के बारे में यहाँ पे किसी को भी कुछ पता नहीं था। यस सर। हाँ, लेकिन ये ब्रेंडन इंडिया आया क्यों, क्यों आया ये? सर, अपने नाने नानी की मौत के बाद उसे अपने पिता के बारे में पता चला, तो अपने पिता के परिवार वालों के बारे में जानने के लिए वो इंडिया आया था। मिल जाए, आपके पति का जो सपना था वो पूरा होके ही रहेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।